नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम सीएनसी टूलिंग में यूज होने वाली इंसर्ट्स के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं। ये जो सीरीज है इसके अंदर जो है आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम जो है किस शेप की इंसर्ट का सिलेक्शन करते हैं, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि देखो कितने टाइप के मटेरियल ग्रेड्स हैं, आपको जो है कौन सी इंसर्ट किस ऑपरेशन में यूज करनी चाहिए, कौन सी मोस्ट सूटेबल है, कौन सी सूटेबल है और किसको यूज नहीं करना है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करना चाहिए, आपको स्टार्टिंग से देखना चाहिए ताकि ये जो है आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। और ये जो चीजें मैं आज बताने वाला हूं इसकी जो है आपको कॉपी भी व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, तो उसको जो है सेव कर लीजिएगा ताकि जो है आप कभी भी भूलें तो जो है उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इंसर्ट्स की जो शेप्स हैं, टोटल शेप्स कितने टाइप की हैं। मैं आपको बताता हूं, कॉमन जो शेप्स हैं वो आपकी 7 शेप्स हैं। ठीक है, इन ही टाइप की जो है इंसर्ट आपको मिलेंगी, बाकी जो है इनकी डेरिवेटिव्स हैं, मतलब कि इनके द्वारा बनाई गई इंसर्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको टर्निंग में कोई और इंसर्ट नहीं मिलेगी, बाकी सब स्पेशल पर्पज इंसर्ट्स यूज होंगे। ठीक है, अलग अलग ऑपरेशन के हिसाब से टर्निंग के लिए ये 7 इंसर्ट हैं और इनका ही यूज आपको करना है। सबसे पहली जो इंसर्ट है यहां पर देख सकते हैं, ये है आपकी राउंड इंसर्ट। ठीक है, इसको R से डिनोट करते हैं। दूसरी है आपकी स्क्वायर इंसर्ट, ये S से डिनोट होती है। ठीक है, और उसके बाद है इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये ध्यान रखिएगा। एस टाइप की जो इंसर्ट है स्क्वायर, उसका 90 डिग्री है। उसके बाद सी शेप इंसर्ट है, ये सबसे कॉमन इंसर्ट वाली आती है और इसके जो है 80 डिग्री का जो है इसका एंगल मानते हैं। ठीक है, और डब्ल्यू है आपकी 80 डिग्री, ये वेज शेप है, इसका भी 80 डिग्री का एंगल है। और उसके बाद है टी, टी शेप जिसको ट्राइगोनल इंसर्ट बोलते हैं, जो कि 60 डिग्री का जो है इनका एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद है डी, डी शेप में देखो 55 डिग्री का एंगल होता है। और लास्ट है आपकी वी शेप, ये है आपकी 35 डिग्री। अब ये इंसर्ट का जो शेप का जो चार्ट है इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि देखो जितना बड़ा एंगल उतनी ही ज्यादा मजबूत इंसर्ट, और जितनी ज्यादा मजबूत इंसर्ट है उसका यूज हम कहां करेंगे, रफिंग के लिए करेंगे। भाई जितना हार्ड से हार्ड काम होगा वो हम किसको देंगे, जिसका जो है इंसर्ट एंगल है। तो यहां पर देखो ये हथौड़े का जो साइन दिया हुआ है इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा मजबूत है। ठीक है, और ये देखो यहां पर देखो प्रोफाइलिंग दी हुई है, तो ये वाली जो पतली पतली इंसर्ट्स है इनका यूज कहां करना है, फिनिशिंग में करना है, प्रोफाइलिंग में करना है। तो ये चीज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में लेके चलना है कि कभी नहीं बोलना है कि जितना ज्यादा मजबूत होगी, जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ज्यादा मजबूत इंसर्ट होगी, मजबूत इंसर्ट का यूज कहां करना है, रफिंग में करना है। ठीक है, और जितनी ज्यादा पतली होती जाएगी उसका यूज कहां करना है, लाइट फिनिशिंग वर्क में करना है। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन कौन सी इंसर्ट किस में सूटेबल रहेगी, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए जो है आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएनसी इंसर्ट शेप ये वाला जो चैप्टर है वो समझना होगा कि कौन कौन से फैक्टर की वजह से हमको जो है कौन सी इंसर्ट यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, टर्निंग मशीन में जो है आपके पास 10 से 12 फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पर जो है हमको सेलेक्ट करना पड़ता है कौन से ऑपरेशन में कौन सी इंसर्ट लगानी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो है बढ़िया इकोनॉमिकल और सबसे अच्छी फिनिशिंग का जो कॉम्पोनेंट है वो बनेगा, ये चीज है। अब बहुत ज्यादा हार्ड चीजें मैं बताने वाला नहीं हूं, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट चीज है आपकी कि भाई मटेरियल ग्रेड चार्ट के अंदर देखो कितने टाइप के मटेरियल ग्रेड है। देखो 6 टाइप के मटेरियल ग्रेड है, पी एम के एन एस एच। ये जो चार्ट है ये आपके दिमाग में हमेशा सेट होना चाहिए कि भाई ये पी एम के क्या है। पी है स्टील, एम है स्टेनलेस स्टील, के है कास्ट आयरन, एन से है नॉन फेरस जैसे एल्यूमिनियम अलॉय, कॉपर, जिंक, ये सब आपके नॉन फेरस हो गए। एस से हीट ट्रीटमेंट वाले अलॉयज, ठीक है, जो आपके एस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद एच है आपके हार्ड एंड स्टील, हार्ड से हार्ड मटेरियल, बिल्कुल हार्ड स्टील रहती है। ठीक है, वो आपके एच कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे कॉमन क्या चीज है आपके, पी एम के और एन, ये चार पे जो है आपको कमांड याद होनी चाहिए पूरी तरीके से। ये वाला चार्ट मैंने आपको जो है शेयर कर देना है जिससे कि आप उसको लगा लीजिए और आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि कौन सी चीज को किस नाम से डिनोट करते हैं। ये सब हम ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करेंगे। किसी भी कंपनी में अगर आपको काम करना है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको काम करना होता है, तो हम ISO को फॉलो करेंगे। ठीक है,
अब हम बात करने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएनसी इंसर्ट शेप सिलेक्शन। सीएनसी इंसर्ट को सिलेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कि भाई रफिंग स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। अगर हमें रफिंग स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो कौन सा जो है मोस्ट सुटेबल रहेगा और कौन सा सुटेबल रहेगा। इसके लिए देखो हमने जो है अपने जो चार्ट बनाया हुआ है उस चार्ट में डबल प्लस का निशान लगाया, मतलब कि मोस्ट सुटेबल है कि भाई ये तो आप यूज कर लो आंख बंद करके, ठीक है। एक प्लस का निशान है मतलब कि इसको आप यूज कर सकते हो, अगर आपके पास वो इंसर्ट दूसरी नहीं है मोस्ट सुटेबल वाली तो आप इसमें यूज कर सकते हो। और जो कॉलम खाली है मतलब कि भाई इसमें तो जो है आपको ये इंसर्ट यूज करनी ही नहीं है गलती से, ठीक है। ये चीजें हैं, तीन चीजें हमने आपको बतानी है। अब सबसे पहली देखो रफिंग इंसर्ट, रफिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से देखेंगे अगर हम तो देखो राउंड इंसर्ट के आगे डबल प्लस है, मतलब कि ये मोस्ट सुटेबल है। राउंड इंसर्ट का यूज आप रफिंग के लिए बेधड़क यूज कर सकते हो, स्क्वायर इंसर्ट का यूज कर सकते हो बेधड़क, ठीक है। उसके बाद है आपकी सी शेप इंसर्ट, सी शेप इंसर्ट को भी आप जो है बेधड़क यूज कर सकते हो रफिंग के लिए। तीनों इंसर्ट का यूज आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये मोस्ट सुटेबल है। उसके बाद डब्ल्यू शेप यानी वेज शेप है, ये सुटेबल है कि इसका भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ये तीन इंसर्ट नहीं है और आपके पास ये वाली इंसर्ट है तो आप इससे भी जो है लाइट रफिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ट्राइगोनल, ट्राइगोनल से भी यानी कि ये टी शेप है, इसके भी आप कर सकते हो ये वाला रफिंग, जो स्ट्रेंथ होती है इसकी अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपका हो गया डायमंड डी शेप, डी शेप में आपको यूज नहीं करना क्योंकि ये ब्लॉक हमने खाली छोड़ा हुआ है, और वी शेप में तो बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये बिल्कुल फिनिशिंग के लिए। तो ये दोनों इंसर्ट जो है फिनिशिंग के लिए तो रफिंग में इनका कोई काम है ही नहीं, ठीक है। अब आता है कि भाई लाइट रफिंग अगर करनी है कि भाई सेमी फिनिशिंग भी चाहिए, थोड़ा सा फिनिशिंग भी चाहिए और लाइट रफिंग भी चाहिए, तब आपको क्या करना है, तब आपको जो है राउंड इंसर्ट का यूज नहीं करना है, ठीक है। राउंड इंसर्ट का यूज कहां और करना है, सिर्फ सिर्फ आपको फिनिशिंग मतलब रफिंग के लिए करना है, ठीक है। लाइट रफिंग और फिनिशिंग सेमी फिनिशिंग के लिए नहीं करना है। उसके बाद देखो स्क्वायर का यूज आप कर सकते हो अगर आपके पास दूसरी इंसर्ट्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये वाली इंसर्ट, ये इसको बोलते हैं हम सी शेप, सी शेप इंसर्ट है ये लाइट रफिंग सेमी फिनिशिंग के लिए मोस्ट सुटेबल है। तो तभी बोलते हैं ना कि सी शेप को आप ले लो, जो सी एन एम जी डी एन एम जी में से जो यूज करते हैं सी टाइप की, तो वो ये है सी वाली इंसर्ट, ठीक है। अब उसके बाद है आपका डब्ल्यू शेप इंसर्ट को आप यूज कर सकते हो लाइट रफिंग में, सेमी फिनिशिंग सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल नहीं है। ट्राइगोनल आपकी मोस्ट सुटेबल है, सेमी फिनिशिंग भी देती है रफिंग भी देती है। उसके बाद है आपकी डी शेप, डी शेप का आप यूज कर सकते हैं मोस्ट सुटेबल है, सेमी फिनिशिंग में आपकी जो है ये वाली इंसर्ट बढ़िया रहती है, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है यहां पर इस चार्ट से क्लियर होगी। उसके बाद है फिनिशिंग, अगर आपको फिनिशिंग चाहिए कि भाई बिल्कुल मस्त फिनिशिंग चाहिए मेरे को, तब आप क्या करें फिनिशिंग के लिए, देखो आपको देखो राउंड इंसर्ट तो यूज करनी नहीं है, स्क्वायर इंसर्ट भी यूज करनी नहीं क्योंकि ये कॉलम खाली है, ठीक है। उसके बाद है आपका सी शेप, सी शेप का आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास जो है फिनिशिंग में दूसरी इंसर्ट नहीं है, ठीक है, ये सुटेबल है। उसके बाद आपका डब्ल्यू शेप है, ये भी आप यूज कर सकते हो, ये भी सुटेबल है। लेकिन ट्राइगोनल अगर आपके पास है तो ये मोस्ट सुटेबल है फिनिशिंग के लिए। ये तीन इंसर्ट है, ट्राइगोनल डी शेप और वी शेप, ये तीनों देखो यहां पर दिया हुआ है कि भाई ये मोस्ट सुटेबल है। इसका मतलब ये है कि आप इनका यूज कर ही सकते हो, बहुत बढ़िया है, आप आंख बंद करके जो है फिनिशिंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका लॉन्गिट्यूडनल टर्निंग, अगर आपको जो है लंबी टर्निंग करनी है, ठीक है, तब आप कौन सी यूज करेंगे, राउंड इंसर्ट यूज नहीं करेंगे, स्क्वायर इंसर्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है, आपको यूज करनी है सी टाइप की इंसर्ट, मोस्ट सुटेबल है, ठीक है। उसके बाद है डब्ल्यू शेप, इसको आप सुटेबल मानते हो कि ये भी यूज कर सकते हो। उसके बाद है ट्राइगोनल, ये भी सुटेबल है, सॉरी, उसके बाद है आपकी डी शेप, डी शेप तो आपकी मोस्ट सुटेबल है, ठीक है, और वी शेप का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई कौन सी इंसर्ट किस ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोफाइलिंग, प्रोफाइलिंग मतलब कि भाई कर्व शेप है, अलग अलग टाइप की घुमावदार है, रेडियस आ रही है, चैम्फर आ रहा है, उसमें देखो आपको राउंड इंसर्ट यूज कर सकते हो प्रोफाइलिंग में, आप ये सुटेबल होती है, जहां पे भी रेडियस रहेगी, बड़ी रेडियस है, आप राउंड इंसर्ट यूज कर सकते हो, ठीक है, ये सुटेबल है। बट स्क्वायर नहीं कर सकते आप, स्क्वायर को बिल्कुल खाली कर दो कि अभी आप प्रोफाइलिंग में यूज नहीं करना। उसके बाद सी शेप को भी आप प्रोफाइलिंग में यूज नहीं करेंगे, नहीं तो टकरा जाएगा आपका टूल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि प्रोफाइलिंग में यूज, जहां प्रोफाइल आ गई वहां पे आपको जो है सी शेप यूज नहीं करनी, ठीक है, डी शेप भी यूज नहीं करनी।
डब्ल्यू शेप नहीं यूज करनी है, ठीक है। ये देखिए ये डब्ल्यू है आपकी, उसके बाद है आपका ये टी, टी शेप आप यूज कर सकते हो सूटेबल है प्रोफाइलिंग में। उसके बाद है आपका डी शेप, डायमंड शेप है, ये भी आपकी मोस्ट सूटेबल है। और उसके बाद है वी शेप। प्रोफाइलिंग के अंदर देखो आपको क्या चीज मिल रही है, ये मिल रही है वी, डी और वी, ये दो शेप्स की जो है आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको जो है फिजिकल इंसर्ट्स देखनी है तो आप जो है देख सकते हैं, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ट्राइगोनल आपकी जो है इंसर्ट कुछ इस टाइप की रहेगी, ये देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, ये ट्राइगोनल है। उसके बाद है आपकी, ये है आपकी डी शेप, ये डी शेप इंसर्ट है, ठीक है। उसके बाद है आपकी, ये रही आपकी ट्राइगोनल, ये देख सकते हैं इसको, एक ट्राइगोनल ये और भी है। उसके बाद आपको अगर सी शेप देखनी है तो मैं आपको सी शेप दिखा देता हूं, ये है आपकी सी शेप, ठीक है, ये सी शेप की इंसर्ट है। राउंड इंसर्ट आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए राउंड इंसर्ट है, ये पावरफुल इंसर्ट है, सबसे पावरफुल इंसर्ट बोलते हैं राउंड इंसर्ट। इसका यूज आज आप 8 कॉर्नर तक कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी इंसर्ट मानी जाती है, ठीक है। तो ये तो इंसर्ट्स है, आप फिजिकली देख लोगे आप आराम से पहचान लोगे। यहां पर देखो, उसके बाद देखो आपकी आती है फेसिंग, अगर आपको फेसिंग ऑपरेशन करना है, ठीक है, फेसिंग ऑपरेशन में क्या करना है, राउंड इंसर्ट आपकी सूटेबल है, राउंड इंसर्ट से आप फेसिंग कर सकते हो, स्क्वायर इंसर्ट से मोस्ट सूटेबल है कि भाई स्क्वायर से तो बहुत इजीली जो है आपका फेसिंग हो जाए क्योंकि बिल्कुल स्क्वायर है। और उसके बाद सी शेप से भी आप प्रोफाइलिंग ये फेसिंग कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो है वेज शेप यानी डब्ल्यू शेप है, इससे आप जो है ये सूटेबल है आपकी, ट्राइगोनल सूटेबल है। उसके बाद जो है आपका डी, डी शेप है, देखो सारी से आप जो है फेसिंग कर सकते हो सिवाय जो है आप वी शेप से, ये पतली होती है लाइट के लिए होती है, लाइट कटिंग के लिए, तो इसमें अगर आप जो है फेसिंग ऑपरेशन करोगे तो ये टूट जाएगा, बाकी सब में जो है आप फेसिंग कर सकते हो। तो फेसिंग ऑपरेशन ही एक ऐसा है कि सबसे ज्यादा जो है इसमें आप यूज कर सकते हो, ये वाली कोई भी इंसर्ट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका लिमिटेड पावर मशीनिंग। अगर आपकी मशीन में जो है पावर थोड़ी लिमिटेड है तब आप क्या करेंगे, उस केस में जो है आपको जो इंसर्ट सिलेक्शन करना है तो आपको ध्यान रखना है कि राउंड इंसर्ट नहीं यूज करनी है, स्क्वायर इंसर्ट ज्यादा यूज नहीं करनी है। आपको जो यूज करनी है वो है आपको लाइट रफिंग के लिए, आप जो है सी शेप इंसर्ट आप यूज कर सकते हैं, सूटेबल है। उसके बाद आपकी जो है डब्ल्यू शेप है, ये भी सूटेबल है आपकी। उसके बाद ट्राइगोनल शेप है, ये भी आपकी जो है मोस्ट सूटेबल है, इसको आप यूज कर सकते हैं लिमिटेड पावर है तो। आप जो है डी शेप यूज कर सकते हैं और वी शेप इंसर्ट यूज कर सकते हैं, ये आपकी मोस्ट सूटेबल इंसर्ट है। तो ये तीन जो इंसर्ट है इनका यूज आप लिमिटेड मशीनिंग पावर में कर सकते हैं, आपकी वाइब्रेशन नहीं बढ़ेगी, ठीक है। वाइब्रेशन टेंडेंसी के केस में भी देखिए आप, यहां पर अगर वाइब्रेशन ज्यादा आ रही है तब आप जो है इस टाइप की जो देखिए ट्राइगोनल यूज कर सकते हैं, डी शेप यूज कर सकते हैं और वी शेप यूज करते हैं, ये मोस्ट सूटेबल है। और बाकी ये तीन जो आगे की हैं इनका यूज नहीं करना है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब एक फैक्टर और है कि भाई अगर हार्ड मटेरियल आ गया, हार्ड मटेरियल है तब आपको जो है जो इंसर्ट यूज करनी है वो राउंड शेप इंसर्ट यूज करनी है या स्क्वायर शेप इंसर्ट यूज करनी है। ये दो इंसर्ट जो है आपकी हार्ड मटेरियल में बढ़िया एकदम मशीनिंग करेंगी, बाकी की जो इंसर्ट है ये उतने अच्छा जो है रिजल्ट नहीं देंगी, ठीक है। तो उसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली इंसर्ट यूज नहीं करनी है अगर हार्ड मटेरियल है। मैं हार्ड मटेरियल का मतलब ये है हार्ड एंड स्टील की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एच ग्रेड वाली। वहां पर आप जो है सोचेंगे कि भाई नेक्स्ट जो फैक्टर है इंटरमिटेंट मशीनिंग, मतलब कि लगातार मशीनिंग नहीं करनी। ऐसा कंपोनेंट आता है जिसमें बीच में खाली होता है, ठीक है, और उसमें क्या कट लगाया फिर खाली हुआ फिर नेक्स्ट कट लगाया फिर ऐसे, तो जो इंटरमिटेंट मशीनिंग होती है उसमें जो है आप जो है नॉर्मल इंसर्ट अगर यूज करेंगे तो वो टूट जाएंगी। उस केस में आपको जो है हार्ड से हार्ड इंसर्ट यूज करनी है तो वहां पर राउंड इंसर्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जो है स्क्वायर इंसर्ट मोस्ट सूटेबल है आपकी। उसके बाद आपकी जो है ये सी शेप भी सूटेबल है, उसके बाद डब्ल्यू शेप भी सूटेबल है, और उसके बाद आपकी टी शेप। ये तीनों ही इंसर्ट जो है सूटेबल है, इनका यूज आप कर सकते हो इंटरमिटेंट मशीनिंग में, बट जो लास्ट की ये दो है, ठीक है, ये दो नहीं यूज करना है, जैसे कि आपकी डी शेप और वी शेप, इनका यूज मत करिए क्योंकि ये इंसर्ट जो होती है वीक होती है, इनका यूज आप जो है प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। तो यहां पर आपको पता चल गया कि भाई कौन सी इंसर्ट किस शेप के हिसाब से सेलेक्ट करनी है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है
वो है कि भाई वाइब्रेशन अगर बढ़ रही है तो कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो भी चार्ट में आपको दे दूंगा। फिलहाल आप जो है इस चार्ट को प्रिंट कर लीजिए, आप अपनी दीवार पे लगा लीजिए और याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो इतनी आसानी से याद नहीं होती हैं, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप जो है अपनी वॉल पे एक प्रिंट कर सकते हो A4 पेपर साइज में, उसको देखते रहिए, जितनी बार आप ज्यादा देखेंगे उतनी बार जो है आपके दिमाग में वो चीज सेट हो जाएगी कि कौन सी इंसर्ट कहां पर यूज करनी है, ठीक है। इससे आपको जो है सिलेक्शन इजी हो जाएगा और आप गलती नहीं करेंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग में जो है आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये गलतियां छोटी छोटी होती हैं, इससे बड़ा आप एक्सीडेंट कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हो। तो बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक सिंपल सा मेथड। अब मैं बात करता हूं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशन, कि भैया कौन से रीजन है जिनकी वजह से जो है मशीनिंग में वाइब्रेशन बढ़ सकती है। तो यहां पर मैं आपको एक चार्ट समझा देता हूं, इससे इसको भी आप जो है देख लीजिएगा कि मशीन में वाइब्रेशन क्यों आती है, क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से आपकी जो है मशीन्स के अंदर वाइब्रेशन आती है, मशीनिंग आपकी जो है थोड़ी सी दिक्कत करती है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब इसके लिए जो है मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टर्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, आपको समझना होगा कि एंटरिंग एंगल क्या होता है, लीड एंगल क्या होता है, कॉर्नर रेडियस, एज डिजाइन और डेप्थ ऑफ कट। देखो ये जो चीजें हैं ये बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपका जो है वाइब्रेशन बढ़ता है। मैंने यहां पर देखो ड्राइंग में आपको समझाने की कोशिश की है कि वाइब्रेशन जब मिनिमम रहेगी, अगर आप इस कॉर्नर की साइड से आप जो फैक्टर्स हैं उनको देख के चलेंगे तो वही मिनिमम रहेगी। जैसे ही आप जो है ये इंक्रीज होते जाएंगे, ये फैक्टर्स इस साइड आते जाएंगे, तो आपका जो है वाइब्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। ये चीज यहां पर जो है मैंने शो करी हुई है, आप इसको देखिए। अब एंटरिंग एंगल आपका जो है अगर 90 डिग्री का है, ये देखिए यहां से इस फेस से और इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो आपकी वाइब्रेशन मिनिमम रहेगी। लेकिन जब आपका जो ये एंटरिंग एंगल है 75 डिग्री का हो जाएगा, तब जो है आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब 45 डिग्री का हो जाएगा, तब जो है आपको और ज्यादा वाइब्रेशन का सामना करना पड़ेगा। तो अब आप कहेंगे कि भाई मैं हमेशा जो है यही इंसर्ट यूज करूंगा 90 डिग्री वाली, तो ऐसा नहीं है। जहां पर आपको 45 डिग्री की यूज करनी पड़ेगी, मशीनिंग जब आप आईडी में करते हैं तो वहां पर जो है आपको इस टाइप की इंसर्ट का यूज करना पड़ेगा, तब आपको 45 डिग्री यूज करना पड़ेगा। लेकिन उस केस में आप 45 डिग्री पर भी कैसे कर सकते हैं वाइब्रेशन को कंट्रोल, वाइब्रेशन इंक्रीज करेगी, इसको कंट्रोल करना है तो उसका एक और फैक्टर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। चलो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड जो फैक्टर है लीड एंगल। लीड एंगल क्या, देखो जो एंटरिंग एंगल है वो ऊपर की तरफ से बनता है, लीड एंगल जो है वो नीचे की तरफ से बनता है, ठीक है। अब लीड एंगल में देखो आपको दिख रहा है कि 0 डिग्री के पास में जितना एंगल होगा वो आपको कम वाइब्रेशन देगा, ठीक है। लीड एंगल आपका 0 पे है तो आपको जो है वाइब्रेशन बिल्कुल कम मिलेगी। लेकिन जैसे ही लीड एंगल 15 डिग्री हो गया तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई, और 45 डिग्री हो गया तो लीड एंगल पे मैक्सिमम वाइब्रेशन मिलेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये दोनों फैक्टर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि भाई ये वाली इंसर्ट यूज करें, लेकिन अगर जब आपको ऑपरेशन ही इस इंसर्ट से करना पड़ेगा, इस शेप की इंसर्ट से, तब आप कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके लिए आपको जो फैक्टर्स है वो आपका नेक्स्ट फैक्टर है, वो एक दूसरे को प्रोड्यूस करता है। अब है आपका कॉर्नर रेडियस। जितनी कम कॉर्नर रेडियस रहेगी वाइब्रेशन कम रहेगी, 0.2 की इंसर्ट है कम वाइब्रेशन है, 0.4 की इंसर्ट है वाइब्रेशन बढ़ गई, लेकिन 0.8 और 1.2 की इंसर्ट आई तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि वाइब्रेशन किसकी वजह से बढ़ी, माइक्रो एंड मैक्रो ज्योमेट्री, ये एक छोटा सा फैक्टर है, इसकी वजह से भी जो है आपका, अगर ये देखिए ये आपका पॉजिटिव है तब आपकी, देखो पॉजिटिव आपका जो एंगल रहेगा कटिंग एज का जो एंगल है, देखिए जब शार्प कटिंग एज रहेगा, ठीक है, तब तक तो जो है आपकी वाइब्रेशन कम रहेगी। जैसे ही आपका नेगेटिव हो जाएगा ये वाला आगे का जो ज्योमेट्री है, ठीक है, जो इंसर्ट की ज्योमेट्री है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। जो हम लोग इंसर्ट यूज करते हैं टर्निंग में, ठीक है, वो पॉजिटिव यूज करते हैं। नेगेटिव कहाँ यूज करते हैं, नेगेटिव हम यूज करते हैं उन मटेरियल्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। अगर हार्ड मटेरियल रहेगा उसके ऊपर अगर आप पॉजिटिव इंसर्ट यूज करोगे जिसका एंगल निकला रहेगा, एज निकला रहेगा ऊपर की तरफ उठा रहेगा, तो वो टूट जाएगा। तो नेगेटिव में क्या होता है, अंदर की तरफ दबा रहता है, तो वो एज जो है वो टूटता नहीं है क्योंकि हार्ड मटेरियल है, तो
वहां पर नेगेटिव यूज करते हैं तो वहां पर वाइब्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, नेगेटिव जहां पर आएगा वहां वाइब्रेशन बढ़ेगी। उसके बाद है आपका एज डिजाइन, एज डिजाइन ER, GC और WB, VB, ER जो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव वाली जहां रहेगी वहां पर जो है आपका ये वाइब्रेशन बढ़ेगी, ठीक है, एज डिजाइन में वाइब्रेशन फैक्टर ऐसे बढ़ता है। ER में मतलब देखो ये सारा का सारा शार्प एज है, ये राउंड एज है, ये यहां पर क्या है डाउन है, तो ये है। उसके बाद है डेप्थ ऑफ कट, जितना कम डेप्थ ऑफ कट डालोगे वाइब्रेशन कम रहेगी, उसके बाद जितना ज्यादा डेप्थ ऑफ कट रखोगे, जितना ज्यादा डेप्थ ऑफ कट लगाओगे आप तो वाइब्रेशन ऑब्वियसली बढ़ेगी क्योंकि जितना ज्यादा मटेरियल आप निकालोगे। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपकी नोज रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने कहा था आपको कि अगर एंटरिंग एंगल आपका जो है ये बढ़ जाता है, ठीक है, एंटरिंग एंगल जो है 90 डिग्री है तो आपकी वाइब्रेशन कम रहेगी, यहां पे कम हो गया तो ये जो है बढ़ गई। तो इस केस में आपको जो है डेप्थ ऑफ कट है ये जो फैक्टर है ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको आपको कम कर देना है। जैसे ही आप इसको कम कर देंगे ना तो आपका जो है ये वाइब्रेशन कम हो जाएगी। डेप्थ ऑफ कट अगर आपने कम कर दिया तो ये अब कितना कम करना है ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ये कॉर्नर रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, जो इंसर्ट के आगे की जो रेडियस है, ठीक है, अगर आप 0.4 की इंसर्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 0.4 से 0.2 का अगर मैं 0.2 या 0.15 का जो है अगर डेप्थ ऑफ कट दूंगा तो मेरी वाइब्रेशन कम आएगी। अगर आप 0.4 की इंसर्ट है और 0.4 का ही आप जो है डेप्थ ऑफ कट दे देंगे फुल फ्लेज में दे देंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको जो है इसके ऊपर लोड बढ़ गया तो वाइब्रेशन तो बढ़ेगी, वाइब्रेशन को कम करना है, फिनिशिंग अगर सही रखनी है तो जितनी की रेडियस है उसका आधे पे आप यूज करो तो आपका जो है वो कम आएगा। हालांकि इसमें साइकिल टाइम बढ़ जाता है, ये चीज ध्यान रखना, साइकिल टाइम जो है कम करने के लिए लोग क्या करते हैं डेप्थ ऑफ कट बढ़ा देते हैं, लेकिन डेप्थ ऑफ कट आप तभी बढ़ा सकते हैं जब आपको पहले देखना पड़ेगा कि पहले आपको कॉर्नर रेडियस कितने की यूज कर रहे हो। अगर 0.2 की रेडियस है 0.4 का कट लगा दोगे तो क्या होगा, इंसर्ट तो टूटेगी ना क्योंकि इस पर लोड बढ़ गया, ये एज तो टूट जाएगा ना, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये जो फैक्टर्स हैं ये सब जो चार्ट है इसको आप याद कर लीजिए, याद करने के लिए यही है कि इसको जो है आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और अपनी वॉल पे चिपका लीजिएगा जिससे कि आप देखते रहें और जो है आपको समझ में आए कि भाई ये जो फैक्टर्स है अगर ये इनमें से कोई फैक्टर बढ़ गया, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है बिगिनर के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है कि कौन कौन से फैक्टर है उसको याद नहीं रहेगा, तो वो अपनी वॉल पे लगा लो, घर में कमरे में लगा लो। ये सारे के सारे जो फोटोज हैं वो मैं आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जो व्हाट्सएप का जो चैनल है हमारा उस पर मैं शेयर कर देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और सारे के सारे जो भी हमें चार्ट्स आपको शेयर करता हूँ उसको जो है प्रिंट आउट निकाल के आप रखो और ऐसे ही आप जो है ये सारी की सारी चीजें जो है सीखते जाओ और आगे आप बढ़ते जाओ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है कुछ और टॉपिक्स क्लियर करूंगा, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।